गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में कूड़े से बिजली और खाद बनाने वाले एक ब्रांड का उद्घाटन किया, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में अब कूड़े पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि आप पहले दिल्ली के भलसवा जाकर कूड़े का ढेर देख लीजिए, और उस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि आप विज्ञापन के द्वारा लोगों को भरवा नहीं सकते हैं, उनमें भ्रम पैदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विज्ञापन दिखाकर लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जबरदस्त निशाना साधते हुए अमित शाह ने हमला किया। एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार भी आम आदमी पार्टी ने किया है, ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मतलब ये हुआ कि कूड़े पर जैसे ही वेस्ट को एनर्जी और बदलने खाद में बदलने के प्लांट का उद्घाटन किया, उसके बाद अब कूड़े पर ये राजनीति शुरू हो गई। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं, और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।